सागर के साहिल कयरमान मचला जब बद भरा ज्वार तूफान आया मनोरमा मुदकिना चती नर्तकी बन नहीं देख पाया कोई सूर्य साया छोटा बिरंथा उदय वीर सुंदर बनी को किला बल सुहागन बुलबुल बसी दिल रूपी बाग अंदर ए बाबू जिस समय उज्जैनी के राजा किशन सिंह थे, रानी का नाम था कोकिला, राजा के छोटे भाई का नाम था उदयवीर सिंह। राजा और रानी के बीच में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम राजा बड़े प्रेम से पुरंदर रख दिए। लेकिन आगे हुआ क्या, एक लाइन गजल का नमूना बा कि पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में, अब पंजाब के बोतल में अरे कश्मीर का पानी है, पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में, कश्मीर का पानी है, पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में, कश्मीर का पानी है। लेकिन कभी जीविधा में लिखलन किरी मझिमरी मझिम्बर से, रे मझिमर मझिम्बर से, आय हाय रे मझिमर मझिम्बर से, अब बरसात जवानी में, रे मझिमर मझिम्बर से, रे मझिमर मझिम्बर से, बरसात जवानी में, रे मझिमर मझिम्बर से, झिम्बर से बरसात जवानी में, झिम्बर से बरसात जवानी में, झिम्बर से बरसात जवानी में, अरे बरसात जवानी में निस दिन होने लागी, निस दिन होने लागी मुलाकात जवानी में, सुंदर हो पुत्र का नाम राजा रख दिए पुरंदर हो, हुआ जब 7 वर्ष का पुरंदर लाल सही किया तब कोकिला देवर के ऊपर ख्याल सही, अधेरी रात में देवर अधेरी रात में वह उदय को बुलवाई है, बात की जाल में तब देवर को फंसाई है। एक दिन कोकिला रानी अपने देवर के अपने कोठरी में रात्रि में बुलौलिन। बुलौले के बाद देवर पूछलन कि भौजी काहे बदे बुलौलू है। ओ समय भौजाई बतावत बा कि मरती मछली प्यासी, मरती मछली प्यासी, आय हाय मरती मछली प्यासी कैसे कोई पानी में, मरती मछली प्यासी कैसे कोई पानी में, मरती मछली प्यासी कैसे कोई पानी में, अरे कैसे कोई पानी
जागोर जरा भवरा जागोर जरा भवरा जागोर उदय सिंह कहला की भौजी तू कैसा ने रतिया में मछलिया पारी के बात बतियाओ तो हम समझत नहीं बाटी तनी खोल के बताओ तू काहे बदे बोलौलू हा। इतना सुनले के बाद भौजाई देवर से बताओ तो बात तर्ज बा एक लाइन के कौन ये तर्ज बा कि अरे परदेसमा कि परदेसमा से बलमा मोरे आवे लो परदेसमा से बलमा मोरे आवे लो देवर हंसी के सजारिया पर आवन हो देवर हंसी के सजारिया पर आवन हो देवर हंसी के सजारिया पर आवन हो कि तुहरी सुरातिया सतावे दिनवा रतिया देवर आवन हो देवर आवन हो मोरे मानवा के लाला सा पुजावा कि देवर मोरे आवन हो इतना बात जब सुनला उदय सिंह की भौजी हमके अपने सेज पर बुलावत है रो ये समझा समझा करके हाथ जोड़ा अपने भौजाई का और कहता कि भौजी ऐसा बात मत कह कहलस का तर्ज बैक लाइन के अरे कैसे के तुहारी सुराता बिसरी अब कैसे के तुहारी सुराता बिसरी आ काहे मारे लू पारा नवा छप्पन छुरी काहे मारे लू पारा नवा छप्पन छुरी काहे मारे लू पारा नवा छप्पन छुरी समझा रहा अपने भौजी को उदय सिंह अरे बोला उदय हथवा के चोरी अब बोला उदय हथवा के चोरी हमें जाल तू लाला नवा भौजी मोरे हमें जान तू लाला नवा भौजी मोरे हमें जान तू लाला नवा भौजी मोरे कि बाप समान होले बड़ा भाई होली भौजाई धर्म मवा कमाई होली भौजाई धर्म मवा कमाई होली भौजाई धर्म मवा कमाई अरे कैसे मानव के देई बड़ी कि भौजी कैसे मानव के देई बड़ी हमें जानत तू लाला नवा भौजी मोरी हमें जानत तू लाला नवा भौजी मोरी हमें जानत तू लाला नवा भौजी मोरी इतना बात समझावत बने उदय सिंह अपने भौजी के कि भौजी बड़ा भाई का दर्जा पिता तुल्य होता है भौजाई का दर्जा मतारी के समान होता है आप हमसे ऐसा बात मत कहिए लेकिन वही घरवा में और का भइल कि अरे ओढ़ा ओढ़ा नवा पुरंदर लाला नवा ओढ़ा ओढ़ा नवा पुरंदर लाला नवा ओढ़ा ओढ़ा नवा पुरंदर लाला नवा अब सुतला क कहिले रहल बहनवा सुतला क कहिले रहल बहनवा अरे सुन के बात सब चोरी चोरी अरे सुन के बात सब चोरी चोरी हमें जान तू लाला नवा भौजी मोरी हमें जान तू लाला नवा भौजी मोरी हमें जान तू लाला नवा भौजी मोरी इतना बात भइल वही घरवा में पुरंदर सुत के अब पूरा बतिया सुनत रहे सुनले के बाद रानी समझ गई कि देवर हमरे बहकावा में ना आई चाहत बा ओ समय रानी सोचली कि बड़ के देवर के अकबारी में दबा ले त जइहन कहां कैलस का रानी आगे बही वहस करके
अरे आगे बही वहां हंस करके उदय दे झटका निकल गए। गमगीन या भागिन शिरोती और मान सजाए कुचल गए। उदय की कटारी गिरी रही, अरे उदय की कटारी गिरी रही, कोकिला निशानी पाई है, तरसाने वाला तरसेगा, माया की जाल बिछाई है। ए बाबू, रानी जब पकड़ चली उदय सिंह धक्का देकर के दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर जब निकल गया तो उसकी कटारी जो है वहीं कोठरी में गिर जाती है। रानी उठा लेती है कटारी को और कहती है कि ठीक है बच्चू, इसका मजा चखा के छोड़ूंगी। सवेरा जब दरबार लगता है, रानी पहुंच जाती है दरबार में और राजा से कहलन कि का हो हमके तू अपने बदल लिया बड़ा के पूरा परिवार खातिर। राजा कहलन अरे आखिर रानी तू कहन का चाहत बालू। रानी बतलाओ बड़ी बिरहा का टेरी बा। अरे बचाई कैसे पानी हो गया, अब बचाई कैसे पानी हो गया, कि बन के भ्रमर देवर, अरे बन के भ्रमर देवर निस्दिन गलता छलखानी, बचाई कैसे पानी हो गया। रानी कहती है राजा से कि अगर आज रात्रि में मैं अपनी इज्जत की पुकार नहीं की होती, सोची नहीं होती अपने प्रति, तो आज आपका छोटा भाई उदय सिंह मेरी इज्जत को लूट लिया होता। बड़ी जबरियन के बाद तो मैंने अपनी इज्जत बचाई है। ये बात सुनकर के राजा कहते हैं कोई प्रमाण है तेरे पास? रानी वही कटारी सामने रख देती है। राजा को विश्वास हो गया। राजा करते हैं क्या भरे दरबार में अपने छोटे भाई उदय सिंह को बुला करके, निशानी कटारी दिखाई है रानी। अरे निशानी कटारी दिखाई है रानी कि सच्चे उदय को किशन सिंह न छोड़े, झुका शीश दरबार में बंधु आगे बिलखते उदय सिंह बरसते थे कोड़े। जंगल में जल्लाद ले जाओ हाली, अरे उदय की दोनों आंख लावो निकाली, सकल भेद को जानता था पुरंदर की राजा से बोला है दरबारे अंदर। ए बाबू, राजा पहले आदेश देते हैं कि भरे दरबार में उदय सिंह को कोड़े की मार मारी जाए। जब मार पड़ने लगी इसके बाद आर्डर देते हैं कि जंगल में जल्लाद ले जाओ उदय सिंह को और उसकी दोनों आंख निकाल करके रानी के सामने रख दो। ए बाबू, इतना बतिया सुनने के बाद उस 7 वर्ष के पुरंदर लड़िकवा जन बा जाके रो रो के अपने बाबू से कहत बा का तर्ज बा समझा रहल बा। तर्ज बा कि अरे उखिया में खेललू रहरिया में खेललू भुलाई गई बउखिया में खेललू रहरिया में खेललू भुलाई गई लूना, अपने नाने का मिलनुआ भुलाई गई लूना, अपने नाने का मिलनुआ भुलाई गई लूना, अपने नाने का मिलनुआ भुलाई गई लूना। राजा को समझा रहा है पुरंदर कि कहला पुरंदर जाके राजा के सामनामा सुनाए बाबूजी, मारी दुनिया में हनामा सुनाए बाबूजी, मारी दुनिया में हनामा सुनाए बाबूजी, मारी दुनिया में हनामा सुनाए बाबूजी, कि खो के मिली जाए है नारियो लाला नामा सुनाए बाबूजी, खोके मिली जाई है नारियो लाला नवा सुनाओ बाबूजी, नहीं मिली हन बीरा नवा सुनाए बाबूजी, कि राम मरले होता गारा लक्ष्मण के जनमा सुनाओ बाबूजी, नहीं जीतल हो तेरा नवा सुनाए बाबूजी, कि तिरिया चरित्र में हारल जग जहां नवा सुनाए बाबूजी, अरे तिरिया चरित्र में हारल जग जहां नवा सुनाए बाबूजी, कहवा भूल लागी या नवा बाबूजी। इतना बात राजा को समझा रहा है लड़का कि बाबूजी आप ऐसा मत कीजिए, दुनिया आपके नाम पे हंसने लगेगी। लेकिन राजा को थोड़ा भी इसका
ख्याल नहीं हुआ। उस समय फिर राजा जो है दोबारा आदेश देते हैं कि जल्लाद जंगल में ले जा करके उदय सिंह की दोनों आंख निकाल करके रानी के सामने रख दो। तर्जबा एक लाइन के बाबू, यह तर्जबा कि अरे हाथ में मेहंदी, अब हाथ में मेहंदी, मांग से नूर बर्बाद तजरबा हो गई ले। तर्जबा तो यह वाले गाना का मजा ला कि अरे फिर भी राजा न माने कोई बात, जब फिर भी राजा न माने कोई बात, बनवा में जमाना जंगल में। लेकिन पुरंदर अपना जो है सोच रहा है, उपाय करता है क्या कि अरे बोला जल्लादों को दे चोरी धनवा, और चाचा के छोड़ कर हमारे नया नवा, चाचा के छोड़ कर हमारे जल्लादों से लड़का जो है बात कर लेता है कि हमसे रुपया पैसा ले लो, लेकिन चाचा निर्दोष है, चाचा के छोड़ दिया जाए जंगलवा में, हम दूसरा रास्ता से घूम के आई, हमारा खिया निकाल के माई के दे दिया। लोग स्वीकार कर लेते हैं जल्लाद, यही काम करता है वो पुरंदर नाम का लड़का, करता है क्या कि अरे बोला जल्लादों को दे चोरी धनवा, आ चाचा के छोड़ मोरा करिया नया नवा, अरे दे दिया अखिया अपन हा रास्ता तब बनावा में जमानावा, चल भाई ने हो बनावा में को छोड़ देते हैं जंगल में, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उदय सिंह सोच रहा है कि आखिर में क्या कारण है कि हमें जल्लाद मारे नहीं, आंख नहीं निकाले, छोड़ दिए। आगे बढ़ गया, दूसरे रास्ते से आकर के पुरंदर अपनी आंख निकलवा लेता है और बिना आंख का एक झाड़ी के नीचे छिप करके बैठा है। इधर आंख को लेकर के पहुंचते हैं दरबार में जल्लाद। रानी देख के अखिया के बड़ा खुश बड़ी की का हो, अब कैसन मजा मिलत बा, बोला कहली ना रतिया में कि मजा तू हूँ ले ला, हमहू ले लें तो के नीक ना लागल। वह दिन ने राजा जन बा शिकार खेले चलन और भैल का कि अरे हरि कि हरि ना का पीछा करके कि हरि ना का पीछा करके बाबू। वो बाण जो है हरना पे राजा चला दिए, लेकिन हरना आगे निकल गया। वो बाण सीधे उसी झाड़ी में घुसती है जहां पुरंदर छिप करके बैठा था, उसी के सीने में लग जाती है। लड़का कराहने लगता है, राजा आवाज सुन करके घोड़े से नीचे उतरते हैं। जब झाड़ी के नजदीक जाते हैं तो देखते हैं तर्ज बाई एक लाइन के कि अरे ससुरे से रूसल बाती आवान हो, ये बस ससुरे से रूसल बाती आवान हो, दैली नहीं हर करा हो,
बनवा में सुनी के रूदनवा न हो राजा भइले लचा गिलास को लेकर के रो रहे हैं। ए बाबू, लड़का जो है रो रहा है, राजा अपने लड़के के लाश को लेकर के और पूछ रहे हैं कि बेटा ये तेरी हालत कौन किया है। उस समय जो है लड़का रो रो करके अपने बाबूजी से कहता है, क्या पोपट का भाव बा? अरे कैसे तुहारा करी अब दर्शन बाबू बनवा में, अखिया चाचा के करनवा बाबू बनवा में। कुल बात बताई हो, अरे धर्म छोड़ ना साथ जाई धनवा बाबू बनवा में, आयता ना कह के मरी गई ललनवा बाबू बनवा में। सवेरा जब होता है, राजा उधर आदेश देते हैं कि ले जाओ रानी को और इसकी दोनों आंख और हाथ काट करके सामने लाओ। लेकिन उधर जंगल में जो है, रात्रि में उदय सिंह घूमते घूमते जंगल में भटकते हुए वहीं अपने भतीजे के लाश के बगल में ही सो जाता है। उसी ख्वाब में सपना में आभास क्या होता है कि अरे रतिया में उदय सिंह देखा बाबू काई दी है आंगुरी बिगाड़ा। सपने में आभास होता है उदय सिंह को कि मेरा भतीजा पुरंदर मुझसे कह रहा है कि चाचा बाबूजी हमार जान ले लेलन, तुहरे बदे हम आंख दे दे हलन,
एक काम करिया चाचा की, सवेरे तू जरूर घरे चल जाइया, नहीं तो पता नहीं बाबूजी और ही कुछ घरे गड़बड़ कर दिया। लेकिन ये बात सोच करके सोच रहा उदय सिंह कि मेरा भतीजा किसी मुसीबत में पड़ा हुआ है, जरूर मैं चलूंगा अपने भतीजे की जान रक्षा करने के लिए, भले ही राजा मुझे फांसी पर क्यों ना सुला दे। ए बाबू, ये सोच करके उदय सिंह सबे राजा हुआ तो घर की तरफ चलता है। लेकिन उधर से होता है क्या, क्या हो कि मानिक के कहनवा चाचा, अरे मानिक के कहनवा चाचा चली जाई हा भवनवा, ना तो बाबू काई दिहा आवूरी बिगाड़ा, अरे निदिया टूटा लाऊ तो देखे बनवा में, केहू ना देखा ली रहली राती आया अन्हारा, उधर किसान सिंह हुकुम फरमावला, सिंह हुकुम फरमावला, अरे कोकिला के लावा हो नया नवा निशारा। उधर जो है राजा आर्डर देते हैं कि कोकिला रानी का दोनों आंख और दोनों हाथ काट कर मेरे सामने आना चाहिए। जल्लाद रानी को पकड़ करके जबरी लेकर के चल देते हैं। उधर से जंगल की तरफ से उदय सिंह आ रहा है, जब देखता है कि भाभी को जल्लाद जंगल में ले जा रहे हैं, भाभी के पैर को छू करके प्रणाम करता है और भाभी सहित जल्लादों के साथ में पहुंचता है दरबार में और राजा से जाकर के माफी मांगता अपने भाभी के लिए, कहता है क्या, अरे अरे रानी को लेके दरबार बिच गई ले कि माफ कर भैया खिल जाई फिर डाल, राजा से जाकर के माफी मांगता है उदय सिंह। माफी जब मांगता है राजा तो रानी को माफ कर दिए, लेकिन ये बाबू रानी अपना मनवा में सोचे कि राजा ने माफ कर दिया ना, दुनिया हमके माफ ना करी, का अपने मन में सोचत बाटी रानी कि आज अपने गलती से अपन बेटा भी ये दुनिया से चल गई और हम अपने करनी पर करी का सोचत बाई रानी अपने मन में, खरी तेरी बा, दिखाई दुनिया अंगुली हमें दिखाई दुनिया कहीं सदा हर जाई, बंद कोठरी में हो कमाहुर लहली तू ते खाई, माटी हो गईली बदनिया गवा के हीरावा। रानी जहर खा करके मर जाती है। राजा करते हैं कि अपने भाई को दे करके राजगद्दी अपने संन्यास ले लिए, तो गुरु बिहारी गणेश गुरु राम लाल गुणकारी, कथन करे चंद्रिका कवि बच्चन की कीर्ति निहारी, बचाई कैसे पानी हो पिया, विक्रमा रामा कवि को सारद मसाई।